हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ यू आर माई सनसाइन का 13वां पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था बांजी पिंक को लेकर अपने एक खूबसूरत सफ़र के लिए निकल पड़ा था। इस बात से अनजान कि आगे उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कहानी इससे आगे शुरू करते हैं। विंग और बांजी जब उस फॉरेस्ट में पहुँचे तो बांजी देख रहा था कि विंग इस जगह को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश दिख रहा है। विंग ने बांजी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लंजा क्या हम यहाँ पर रहेंगे? बांजी ने विंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ विंग अब हम यहाँ पर रहेंगे, क्या तुम्हें यह जगह अच्छी लगी? विंग ने क्यूटली अपना सर बांजी के शोल्डर पर रखते हुए कहा, हाँ लंजा मुझे यह जगह बहुत अच्छी लगी, लेकिन लंजा हम यहाँ पर सोएंगे कहाँ? तभी बांजी ने विंग को एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ विंग हम वहाँ पर सोएंगे। विंग ने जब बांजी की बताई हुई जगह की तरफ देखा तो वहाँ बुट का बना हुआ एक छोटा सा घर था। विंग ने कहा, लेकिन लंजा यह घर यहाँ पर कैसे आया? बांजी ने कहा, विंग यह घर भाई ने बनवाया था मेरे लिए जब मैं छोटा था। विंग ने कहा, तो क्या लंजा अब हम हमेशा यहीं पर रहेंगे, अब हम महल वापस नहीं जाएंगे? बांजी ने कहा, तो क्या विंग तुम महल वापस जाना चाहते हो? विंग ने कहा, नहीं लंजा मैं तो इसलिए पूछ रहा था, क्या सिचनगा भी यहाँ पर रहने आएंगे? बांजी ने कहा, नहीं विंग यहाँ पर कोई नहीं आएगा, यहाँ पर केवल तुम और मैं रहेंगे। रात का समय था, विंग उस घर में अकेला था क्योंकि बांजी पास ही के गांव से विंग और अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने गया था। तभी विंग ने बांजी के कपड़ों में छिपा हुआ एक नाइफ देखा। विंग ने जब उस नाइफ को अपने हाथ में उठाने की कोशिश की तो अचानक विंग को बहुत तेज झटका लगा और वह उस नाइफ से बहुत दूर जाकर गिरा। तभी विंग ने घूरकर उस नाइफ की तरफ देखा और विंग की आंखों का कलर चेंज होने लगा। विंग ने तेज आवाज में कहा, तो लान बांजी तुम मेरे साथ यह करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लानवांजी तुम्हें लगता है कि तुम इस विभूषण को मुझसे आज़ाद करा पाओगे? नहीं लानवांजी तुम ऐसा नहीं कर सकते, शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। बांजी जब उस होम में वापस लौटा तो उसने देखा कि विंग उस रूम में नहीं है। बांजी परेशान होकर विंग को इधर उधर ढूंढने लगा क्योंकि बांजी जानता था कि विंग इस जगह से पूरी तरह से अनजान है। तभी बांजी के हाथ को किसी ने तेजी से खींचा और बांजी को टाइटली एक पेड़ पर लॉक कर लिया। बांजी ने जब उस शख्स की तरफ देखा तो वह विंग था। विंग ने डीपली बांजी की आंखों में देखा और कहा, लंजा तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? बांजी ने कहा, हाँ विंग मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, लेकिन विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे जाते समय कहा था कि घर से बाहर मत जाना, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? तभी विंग ने बांजी के और भी करीब आते हुए कहा, लंजा तो तुम्हें लगता है कि मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे? क्या लंजा क्या मैं अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकता? बांजी डीपली विंग के फेस की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, विंग क्या यह तुम ही हो? तभी विंग ने एक बार फिर से अपना इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, लंजा देखा ना तुम डर गए, मैंने यह बुक में पढ़ा था कि अगर इस तरह किसी को भी डराते हैं तो वह चाहे कितना भी बहादुर हो वह डर जाता है। बांजी के लिए इस समय विंग को समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसा विंग ने कहा कि उसने बुक में पढ़ा था तो बांजी को विंग की बातों पर यकीन हो गया था कि शायद उसने यह सब बुक में ही पढ़ा है, इसीलिए वह इस तरह का बिहेवियर कर रहा था। विंग ने बांजी के हाथ के पैकेट की तरफ देखा और कहा, लंजा तुम मेरे लिए खाने के लिए लेकर आए हो, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है, तो अब हम जल्दी से कुछ खाते हैं। कहते हुए विंग ने बांजी के हाथ को पकड़ा और तेजी से उस घर की तरफ लेकर चला, लेकिन बांजी अभी भी विंग की तरफ देख रहा था क्योंकि कुछ पल के लिए उसने उस शख्स में अपने विंग को नहीं देखा था। रात का समय था, जब बांजी की आंखें खुली तो उसने देखा विंग के हाथ पूरी तरह से बांजी के क्लोथ के अंदर उसकी
चेस्ट पर घूम रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं था कि विंग वांची के पास सोया हो, लेकिन आज तक विंग एक इनोसेंट बेबी की तरह वांची की चेस्ट पर अपना सर रखकर लेटा रहता था। लेकिन आज वह बहुत ही सेमलेसली अपना हाथ वांची की चेस्ट पर घुमा रहा था। वांची ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम यह क्या कर रहे हो? विंग ने वांची के ऊपर आते हुए कहा, लंजा तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांची विंग की आंखों में देख रहा था, जहां पर उसे कोई मासूमियत नजर नहीं आ रही थी, आज उसे विंग की आंखों में अपने लिए डिजायर नजर आ रही थी। विंग बहुत ही लस्टफुल आईज से वांची की तरफ देख रहा था। वांची ने डीपली विंग की आंखों में देखा और कहा, हाँ विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ने वांची के लिप्स से अपने लिप्स टच करते हुए कहा, लंजा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मुझे पूरी तरह से अपना बना लो। वांची के लिए यह सब बहुत ही सरप्राइजली बात थी, क्योंकि उसका विंग तो मैरिज का मतलब भी नहीं जानता और यह विंग उसके साथ इंटीमेट होने की बात कर रहा है। वांजी ने एक पल में ही विंग को पलटा और अब वांजी विंग के ऊपर था। वांजी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? विंग ने वांजी के अराउंड अपनी बाहें कसते हुए कहा, हाँ लंजा मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे आज अपना बना लो लंजा, मैं आज पूरी तरह से तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ। लंजा यहाँ पर कोई भी नहीं है, केवल मैं और तुम हो। कहते हुए विंग ने वांजी के लिप्स पर अपने लिप्स टिका दिए। वांजी भी अब विंग को सॉफ्टली किस करने लगा था। विंग धीरे धीरे वांजी के क्लोथ खोलने लगा था। वांजी देख रहा था कि विंग एक पल के लिए भी किसको ब्रेक नहीं करना चाह रहा था। वांजी जो 5 लेयर पहनता था, विंग ने वांजी के क्लोथ से इरिटेट होते हुए कहा, लंजा तुम इतने सारे क्लोथ क्यों पहनते हो? वांजी ने विंग के हाथ को रोकते हुए कहा, विंग तुम रहने दो, मैं खुद ही अपने क्लोथ उतार देता हूँ। और कहते हुए वांजी ने एक पल में ही अपने क्लोथ उतार दिए। अब वांजी विंग के सामने हाफ नेकेड था। वांजी ने विंग से कहा, विंग क्या तुम अपने क्लोथ नहीं उतारोगे? और कहते हुए वांजी ने विंग के अपर क्लोथ को खोल दिया और वांजी जो देखना चाहता था, वांजी की नज़र उस पर पड़ी। विंग की चेस्ट पर एक ब्लैक कलर का बहुत ही बड़ा निशान था, जिसमें से ब्लैक स्मोक निकल रहा था। वांजी ने विंग के दोनों हाथों को बेड पर कसते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो? विंग ने अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, लंजा क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा विंग। वांजी ने कहा, नहीं तुम मेरे विंग नहीं हो। तभी विंग जैसे एक शैतानी हंसी हंसने लगा और विंग ने वांजी को तेज झटके से खुद से दूर करते हुए कहा, तो इसका मतलब लान वांजी तुमने मुझे पहचान लिया। वांजी ने गुस्से में कहा, मुझे बताओ आखिर तुम विंग के साथ ऐसा क्यों करना चाहते थे? तभी उस डेमोन ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे विंग के साथ कुछ नहीं करना चाहता था, मैं तो केवल तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था लांग वांजी। वांजी ने हैरान होते हुए कहा, मेरे साथ? डेमोन ने वांजी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, लहन वांजी तुम्हें क्या लगता है मैं इतने दिनों से क्यों शांत था? मैंने क्यों आज तक इस विभूषण की बॉडी को संभाल कर रखा है? क्योंकि लान वांजी मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हें इस विभूषण की बॉडी से। वांजी ने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? भी उस डेमोन ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ लान वांजी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने 10 साल तुम्हारा वेट किया है लान वांजी। मैं उस दिन उस बॉल को कूद कर खुद को आजाद करने वाला था, लेकिन उस रोज तुमने मुझे रोक लिया और तुमने मुझसे कहा कि तुम हर रोज मुझसे मिलने आया करोगे। पहली बार मुझे एक ऐसा इंसान मिला था जिसने मेरी परवाह दिखाई थी। वांजी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए परवाह नहीं दिखा रहा था, मैं उस 5 साल के बच्चे के लिए परवाह दिखा रहा था जो तुम्हारे कारण एक कैद में डाल दिया गया था। तभी उस डेमोन ने एक बार फिर से वांजी के पास आते हुए कहा, चाहे तुम कुछ भी कहो लान वांजी, सच तो केवल यही है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है
और मैं अब तुम्हें और इस विभूषण की बॉडी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। हनुमान जी ने कहा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं विंग को तुम्हारे साये से आजाद कर रहूंगा। तभी उस डेमोन ने हवा में हाथ लहराया और वह नाइफ जो हनुमान जी के क्लोथ में छिपा हुआ था वह एक पल में डेमोन के हाथ में था। और उस डेमोन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम विभूषण को इस नाइफ से आजादी दिलाने जा रहे थे? यह नाइफ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हनुमान जी, लेकिन इस विभूषण का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। हनुमान जी ने देखा उस डेमोन ने जो इस समय विंग की बॉडी के अंदर है वह नाइफ विंग की रिस्ट पर लगाए हुए था। तो चलिए दोस्तों, आज का पाठ मैं ही ख़त्म करती हूँ। आज का पाठ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय।